नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चैती छठ के अवसर पर आपको बता दें कि बीजेपी के एक एमएलसी के घर पहुंचे, जिसके बाद उन्हें लेकर अब अटकलें तेज होने लगी। क्या अटकलें लग रही है? अटकलें ये लग रही है कि एक बार फिर क्या पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि उनकी आदत रही है पलटी मारने की। कभी लालू की इफ्तार पार्टी में जाकर उनके सरकार के साथ जो है गठबंधन कर लेते हैं, और अब जिस तरीके से चैती छठ के अवसर पर अब बीजेपी एमएलसी के करिए जो है घर पे गए हैं, जिसे कि गृह मंत्री अमित शाह का काफी करीबी भी बताया जाता है। ऐसे में अटकलों का बाजार नीतीश कुमार को लेकर काफी ज्यादा गर्म है। अब ऐसे में ये कौन है एमएलसी जिनके घर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, और अटकलों का बाजार आखिर क्या किस वजह से गर्व हो गया है, किस तरीके की अटकलें आज के वक्त में नीतीश कुमार को लेकर लगाई जा रही है, विस्तार से समझिए। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक चैती छठ के मौके पर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर पहुंच गए, जिसके बाद राज्य में सियासी हवाओं के बदलने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दरअसल संजय मयूख ने चैती छठ के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने आवास पर आमंत्रित किया था, जिसके बाद खरना का प्रसाद खाने नीतीश कुमार देर शाम उनके घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद संजय मयूख ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार कर लिया। बता दे कि नीतीश कुमार के पिछले साल महागठबंधन में शामिल होने के बाद से ही आरजेडी नेता लगातार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार पर दबाव जो है बना रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बीते दिनों बेहद असहज नजर आए। महागठबंधन सरकार बनने के बाद जो नीतीश कुमार सार्वजनिक कार्यक्रमों में तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते या फिर गले लगाते नजर आए थे और उन्हें बिहार का भविष्य बताते थे, वही नीतीश कुमार कुछ दिनों से तेजस्वी यादव से कई मुद्दों पर अलग राय रखते भी दिखे, जैसे कि गलवान जवान शहीद के पिता को जेल में डालने का मुद्दा हो या फिर तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों की पिटाई का मामला हो। यही नहीं, कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और उनकी संसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर भी ज्यादातर विपक्ष उनके समर्थन में उतर आए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। राहुल गांधी की सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर भाजपा पर हमला करने नीतीश कुमार विपक्षी समूह के साथ शामिल होने के लिए कतार में आखिर क्यों हैं? ऐसे में एक बार फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो एक और राजनीतिक उलटफेर करने का अवसर तलाश रहे हैं। और इससे भी ज्यादा आपको बता दें कि दिलचस्प है लोगों की प्रतिक्रिया, जो लगातार इसे लेकर ट्वीट कर रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है जरा ये भी देखिए। सुमित सिन्हा ने लिखा कि बिहार में खेल होगा, बीजेपी नेता के घर खरना का प्रसाद खाने पहुंचे सजय नीतीश कुमार को याद आई राबड़ी की इफ्तार पार्टी, चैती छठ का खरना पूजा, आज बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर पहुंचे नीतीश, कई मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी किया प्रसाद ग्रह। इसके बाद उन्होंने लिखा कि संजय मयूख बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और कहा यह भी जाता है कि वह गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार का संजय मयूख के घर जाना एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है। वही आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से ट्वीट किया। आपको बता दें कि भार्गव राय ने लिखा कि चैती छठ के मौके पर बीजेपी नेता के घर पहुंचे नीतीश कुमार, शुरू हो गई नई चर्चा। तो आपको बता दें कि यही कारण है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। लगातार लोग कह रहे हैं कि बिहार में एक नई पारी जो है देखने के लिए मिल सकती है, या यूं कहिए कि गठबंधन में भी उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके से नीतीश कुमार का अचानक वहां जाना, ये सारी चीजों को आपको कह सकते
बताते हैं कि अटकलों को हवा देती नजर आ गई है। बता दें आपके लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से अब नीतीश कुमार ये नई पारी खेल सकते हैं उसे देखते हुए लोग कह रहे हैं इसीलिए तो राहुल गांधी के मामले में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, कहीं ना कहीं अपनी जमीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि कुछ लोग इससे नाराज भी है, लोगों ने कहा कि बिहार को मजाक बना के रख दिया है जदयू ने। तो इसी तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है और अटकलें भी तेज होने लगी है कि संजय मयूख और जिस तरीके से राहुल गांधी के मामले पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है ऐसे में बिहार में अब एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है। और आपको बता दें कि कुछ लोग तो ऐसे भी लिख रहे हैं कि किसी को आश्चर्य नहीं होगा, चाहे होना भी नहीं चाहिए, समझ जाओ पलटू राम पलटने वाले हैं, जय श्री राम। तो लोगों का भी ये कहना है कि हो सकता है कि पलटू राम पलट जाए। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है कि सत्ता में बरकरार रहने के लिए, यूं कहिए कि सीएम की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रखने के लिए उन्होंने कभी बीजेपी तो कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया और इसी तरीके से वो जो है अपना पाला अपने सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं और मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री की सीट के साथ लगाव को लेकर आपको बता दें कि एक जो है नेता द्वारा टिप्पणी भी की गई थी और वो ये कहा गया था कि जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक गए हैं और उसे वो छोड़ना चाहते ही नहीं है और इसीलिए कुर्सी पर बने रहने के लिए, उसी पर विराजमान रहने के लिए नीतीश कुमार हमेशा अपना पाला बदलते रहते हैं और इसीलिए उन्हें नया नाम पलटू राम मिल चुका है कि जिधर सत्ता का लोभ और लालच उधर जो है नीतीश कुमार चले जाते हैं। अब ऐसे में ये काफी दिलचस्प होगा देखना कि बिहार में जिस तरीके से कयास लगाई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है, उस पर नीतीश कुमार क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर, इन अटकलों को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। लोग इसे लेकर लगातार उसे इफ्तार पार्टी से जोड़ रहे हैं, जैसे इफ्तार पार्टी में जाने के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था और लोग इसी से कयास लगा रहे हैं कि कहीं इफ्तार पार्टी वाला ही खेल ना हो जाए। इफ्तार पार्टी में जाकर लालू का गठबंधन के साथ चले गए थे, कहीं घर में कहीं जो है संजय मयू के घर के खरना का प्रसाद खाकर बीजेपी की तरफ ना चले जाए। अब ऐसे में बिहार में सियासी पारा तो हमेशा से चढ़ा हुआ है, जिस तरीके से मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पोर्ट्रे करने में लगे हुए हैं, इससे उनके खुद के कार्यकर्ताओं में ही नाराजगी है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी भी छोड़ दी। अब ऐसे में स्पष्ट तौर पर बिहार में जिस तरीके से राजनीति समीकरण पल पल बदल रहे हैं, नई पार्टी आ रही है, नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, अब नीतीश कुमार भी अब तेजस्वी यादव से जो है अलग अलग मामले पर अब अलग राय भी रखने लगे हैं। पहले जो तेजस्वी कहते थे वही मान लेते थे, लेकिन अब अलग राय भी रख रहे हैं और राहुल गांधी के मामले पर चुप्पी भी साध रखी है, जहां पर सारे विपक्ष जो है एक साथ बोल रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार एक भी शब्द कहने को तैयार नहीं है। और इन सभी चीजों को संजय मयूख के घर नीतीश कुमार के जाने से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जमीन मजबूत कर रही है ताकि फिर से वो पलटी मार सके। अब ये देखना तो दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ जिस तरीके से अटकलें लग रही है, इन अटकलों पर नीतीश कुमार अपने बयान से विराम लगाते हैं या फिर ये अटकलें सही साबित होती है और नीतीश कुमार एक नई पारी खेलने के लिए एक बार फिर गठबंधन जो है बदल लेते हैं, या यूं कहिए एक बार फिर बदल जाते हैं और बिहार में बड़ा खेल देखने के लिए मिलता है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर अटकलें तेज हो गई है, पलटूराम कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं। ऐसे में हम इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।